सत श्री अकाल निरपक्ष पोस्ट वेख रहे तुसी, मैं हाँ नीरज कुमार ते लैके हाजिर हूँ तक दी सब तो वड्डियां खबरां। जेकर आपां गल कीती जावे तां तालिबान अते अफगानिस्तान नूं लैके लगातार तकरार जो है चल रही है ते तकरीबन अफगानिस्तान दे उत्ते जो है वह तालिबान दा कब्जा हुंदा हुण पूरे तरीके दे नाल नज़र आ रहा। इस तो इलावा गलबात करांगे पंजाब दी सियासत दे नाल संबंधी, पंजाब दी सियासत दे विच वी अज काफ़ी जो है काफ़ी कुछ देखने को मिला, जिवें कि प्रगट सिंह जो ने PPCC दे जनरल सकत्तर लगा दिते गए ने ते अज उन्हां वल्लों उहदा सांभिया गया। इस तो इलावा श्रोमणी अकाली दल दे जो प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल वल्लों 100 दिनां दी हुण यात्रा कीती जाएगी, जिस दे विच उह तकरीबन सारे हल्कियां दे लोकां नाल मिल के उन्हां लोकां दी जो जनता है उन्हां दे नाल जो है उन्हां दीआं मुश्किलां नूं जाणनगे। सब तो पहलां आपां शुरुआत करदे हां अफगानिस्तान अते तालिबान तो। तां अफगानिस्तान दे उत्ते तालिबान दा कब्जा होण तो बाद हुण उत्थे दे जो हालात ने उह लगातार वध तो बदतर होंदे जा रहे हैं। उत्थे ही जेकर गल की जाए अज भारतीय हवाई सेना का जो C-17 जहाज है वह 110 भारतीयों लैके गुजरात के जामनगर पहुंचे। तो तुहानू दस दिए कि हुण अमेरिका न्यूजीलैंड सऊदी अरब अते भारत अपने नागरिकां नू एयरलिफ्ट करन लगे हुए हैं। अज भी 110 के करीब भारतीय लोगों को लैके जहाज पहुंचा। हालांकि कई वीडियो भी सोशल मीडिया से वायरल हो रहे हैं जिस विच तालिबानी दहशतगर्द कभी जिम लगा रहे हैं तो कभी पार्कों के झूठे लेंदे नज़र आ रहे हैं। भारत ने वीज़ा नियमों के भी बदलाव किया, भारत ने हुण ई एमरजेंसी एक्स मिक्स वीज़ा कैटेगरी शामिल किया गया, जिस दे नाल हुण जेकर कोई वीज़ा लेना चाहता एमरजेंसी तो उसनों अफगानिस्तान तो भारत के लिए वीज़ा लेने के कोई भी औखी नहीं होगी। इस तो इलावा तालिबान ने अफगानिस्तान के सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए आम माफ़ी की भी घोषणा की है, जिवें कि लगातार देखा जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा कर लिया। तो हुण तालिबान के वलों एक जारी बयान दे विच उसने सारे ही सरकारी कर्मचारियों के लिए आम माफ़ी की घोषणा की है और उन्होंने काम से वापस आने की अपील की है। तालिबान ने मंगलवार को सारे सरकारी अधिकारियों के लिए आम माफ़ी की घोषणा की उन्होंने देश भर में सत्ता संभालन के 2 दिन बाद काम से वापस आने की अपील की है। हालांकि खबरें यह भी सामने आई हैं कि अफगानिस्तान की जनता को तालिबान के रहमो करम से छड़ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान को छड़ के ही भज गए हैं। रूस के दूतावास वालों यह अहम जानकारी दी गई है तो कहा जा रहा है कि अशरफ गनी एक हैलीकॉप्टर और 4 कारां पैसा भर के लै गए हैं। पैसा इन्ना ज़्यादा सी कि सड़कों पर भी नोट खिलरे मिले हैं। कहा जा रहा है कि इस समय अशरफ गनी तजाकिस्तान दे विच शरण लै सकते हैं। फिलहाल यह दावा किया जा रहा है कि वह ओमान दे विच हैं। इस तो इलावा हुण जेकर दूजी वड्डी खबर की गल करिए तो तुहानू दस दिए कि महाराजा रणजीत सिंह जी दे नाल जो लाहौर दे विच बुत लगाया गया उसकी एक शख्स दे वल्लों भनतोड़ की गई है, जिसका सख्त प्रतिक्रम जो है भारतीयों वल्लों भी लिया जा रहा है। जेकर गल की जाए दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने अजिहे लोगों के उत्ते अंकुश लगाउण दी जो है वो अपील की है। इस तो इलावा दस दईए कि इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के उत्ते काफ़ी वायरल हो रही है। हालांकि यह हरकत तहरीके लबोक पाकिस्तान नाल जुड़े एक शख्स वालों की गई है। वीडियो तुसी साफ देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल शख्स बुरे तरीके नाल महाराजा रणजीत सिंह जी के बुत नूं तोड़ रहा है। तो हालांकि किया जा रहा है कि अजिही हरकत करन वाले नूं गिरफ्तार भी कर लिया गया है, परंतु हरकत तो साफ नज़र आउंदा है कि भारतीय इतिहास के नाल संबंधी पाकिस्तान किन्ना कु फिक्रमंद है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दारी ने भी महाराजा रणजीत सिंह के बुत नाल तोड़ भन्न करन दा सख्त एक्शन लिया ते कहा है कि जल्द ही महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा दोबारा बनाई जाएगी। उधर इस नूं लैके भारत भी भारी रोष पाया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अजिहे नफरत फैलाउण वाले लोगों ते अंकुश लगाउण दी जो है वह अपील की है। पाकिस्तान के लाहौर से एक बहुत ही दुखदायी घटना भी सामने आई जब महाराजा रणजीत सिंह जी के प्रतिमा स्टैचू को तोड़ा गया। यह घटना पहली बार नहीं, तीसरी बार हुई है और ये तीनों बार ही तरीके लिबास जो कि एक वहाँ की कट्टरवाद संस्था है जिसका मुखिया पहले रिजवी रहा और वह उसने भी बहुत महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में अपशब्द बोले। अब उन्हीं के कारकुनों के द्वारा ये आज उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया। ये बहुत ही कट्टरवाद की एक मिसाल है। पाकिस्तान जिस रास्ते चल रहा है, महाराजा रणजीत सिंह जैसे सेकुलर राजा जिन्होंने सभी धर्मों को मान सम्मान दिया, आज उनके साथ ऐसी उनकी प्रतिमा के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत निंदनीय है, बड़ा शर्मसार है, बड़ा दुखदाई है। मैंने अभी विदेश मंत्रालय से बात की है, जॉइंट ट्रेक सेक्रेटरी को मैंने इससे सारा प्राइज कराया है,
उन्होंने मुझे कहा है कि वो तुरंत पाकिस्तान के हाई कमीशन को इसके बारे में संज्ञान लेने को कहेंगे और तुरंत कार्रवाई हो और उनको समन भी करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पाकिस्तान अगर कोई डेमोक्रेसी कंट्री है तो फिर ऐसा किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कट्टरवाद की मिसाल है और पाकिस्तान जिस रस्ते चल रहा है ये उसकी एक निशानी है। तो हुण गल करदे आं पंजाब दी सियासत दे नाल संबंधी। पंजाब दी सियासत दे विच जेकर गल कीती जावे तां सब तों पहला अज जो है श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान जो ने सुखबीर सिंह बादल वल्लों कई अहम ऐलान किए गए हैं, जिवें कि उन्हां वल्लों पहलां जेकर गल कीती जावे प्रैस कॉन्फ्रेंस करके 400 यूनिट बिजली फ्री देण दी गल कही गई सी। तो हुण जो है 2022 विधानसभा चोणां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल लगातार हर संभव कोशिश कर रहा है। तो हुण जो है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिन की यात्रा की जाएगी, जिस दे विच उन्होंने कहा कि इस दौरान वह तकरीबन हर एक हल्के दे विच जाणगे ते आम लोगों किसानों मजदूरों व्यापारियों इंडस्ट्रिया मिलणगे। तो इस तो इलावा खास तौर पर एससी और बीसी भाईचारे के लोगों के नाल भी जो जो भी उन्होंने समस्यावं उसके हल करने के लिए उन्होंने लिए काम किए जाएंगे। इस तो इलावा उन्होंने एक होर इतने अहम जानकारी दी है कि उन्होंने वालों हूँ श्रोमणी अकाली दल वालों लोग आम लोगों की राय जानने के लिए एक वैबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है गल पंजाब दी, जिस दे विच पंजाब दे आम लोग जो ने अपनी राय जो है वह श्रोमणी अकाली दल दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान श्रोमणी अकाली दल के जो प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय कन्वीनर ने ते दिल्ली के सीएम ने अरविंद केजरीवाल उन्होंने उत्ते भी तंज कसया। इस तो इलावा उन्होंने पंजाब सरकार को लैके भी काफ़ी तंज कसे ने। तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार विकास के कम दावे कर रही है परंतु यह बिल्कुल ही खोखले हैं। तुसी याद हो भगवंत मान ने संगरूर अपनी मां नू स्टेज ते लिया के अपने मां दे सिर ते हाथ रख के भगवंत मान ने अपनी मां दी झूठी सौं खादी कि अज ते बाद मैं शराब पीनी बंद कर दूंगा। अज तक रोज बोतल शराब दी पी के टली हुंदा है। जिहड़ा इंसान अपनी मां नूं नहीं बख्श सकदा कि वह पंजाब की अगवाई कर सकदा है। एक पार्टी आम आदमी पार्टी की अगवाई कर रहा है। तीजा इंसान जिन्हें झूठी सौं खा के लोगों नूं गुमराह किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं जो दिल्ली पहली बार उन्हें पार्टी बनाई इलेक्शन च आया लोगों ने पूछा मीडिया ने पूछा कि जे थोड़े कोले एमएलए पूरे नहीं होंगे कि तुसी कांग्रेस ना मिलके सरकार करोगे बनाओगे। अपना बेटा नाल खड़ा सी उन्हें भी अपने बेटे के सिर ते हाथ रखिया ते सौं खादी पूरे देशवासियों के सामने कि मैं मैनू भावे एमएलए जितन हार मैं कांग्रेस ना मिलके सरकार नहीं बनाउणा। ते जदों इलेक्शन आया उन्हें अपने सौ तोड़ के अपने बेटे के सिर के उत्ते झूठी सौ खा खाती सी जिहड़ी नाल नाल कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। दूजी गल अज तो कल तो पंजाब दे लोकां दी गल सुनने वास्ते मैं 100 दिन की यात्रा शुरू कर रहा। 100 दिन 100 असेंबली हलका मैं कल तो गुरु महाराज का अरदास बेनती करके आशीर्वाद लेके जीरे हलके तो यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के दौरान मैं किसान भरावां नूं मिलूंगा, मैं व्यापारियों नूं मिलूंगा, इंडस्ट्री नूं मिलूंगा, मैं एससी भाईचारे नूं मिलूंगा, बीसी भाईचारे नूं मिलूंगा, यूथ नूं मिलूंगा, लेडीज नूं मिलूंगा। पंजाबियों की गल सुननी है, चाहते की है। तो असी साडे वर्कर आ जिहड़े फॉर्म है कि उन्होंने मन च की ख्वाहिश है कि थोड़ी सरकार की करे, वह फॉर्म साडे जिहड़े वर्कर है पिंड पिंड जाके वार्ड वार्ड जाके अगले 100 दिन वो एक एक घर विच पंजाब जाणगे, एक एक परिवार नूं मिलणगे, पिंडां विच सत्था जाणगे, पिंडां दा कट वार्डां च कट करके नौजवान लेडीज काडर सारे जाणगे। असी 100 दिन का जिहड़ा मेरा प्रोग्राम है सवेर तो लेके रात तक का प्रोग्राम चलना है। जनता की गल सुन के पंजाबियों की गल सुन के फिर असी एक स्ट्रैटजी बनावांगे।
श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार जो भी श्रोमणी अकाली दल की सरकार आती है पंजाबियों की सरकार आती है पंजाबियों की अपनी सरकार आती है पंजाबियों की भावना समझ के फैसले होंगे है। तुसीं देख लो अज पंजाब जो तरक्की हुई है जे एयरपोर्ट बनिया सड़क बनिया बिजली 24 घंटे की सारी श्रोमणी अकाली दल जे किसान दे ट्यूबलां दे बिल जे किसान दे अपने पक्के खाले बनाए जे मार्केट कमेटियां बनाईया जे मंडी मार्केट दिया मंडियां बनाईया जे गरीब नूं आटा दाल शगन पेंशन जो भी किया श्रोमणी अकाली दल ने साडे किसे लीडर ने झूठी सौं नहीं खाधी साडे किसे लीडर ने सौं खा के नहीं किया असी अपने जबान ते किया ते जे क्रेडिबिलिटी है ते श्रोमणी अकाली दल दी क्रेडिबिलिटी है तो इस करके असी लगातार एक अपनी वैबसाइट जेड़ी है गल पंजाब दी वैबसाइट वह भी श्रोमणी अकाली दल लॉन्च कर रहे हैं एक असी मिस्ड कॉल नंबर 9687896878 असी मिस्ड कॉल भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं सारे पंजाबियों नूं हर वर्ग नूं बेनती करदा जो भी थोड़ियां भावना है जो भी थोड़ी चाहुंदे हो सरकार थोड़ी आने वाली सरकार की करे थोड़े वास्ते थोड़े हलके वास्ते थोड़े शहर वास्ते थोड़े महल्ले वास्ते इस वैबसाइट तुसी जरूर अपना मैसेज भेजो साडा मिस्ड कॉल ते नंबर लैके भेजो असी थोनू कॉन्टैक्ट करांगे। इस दे नाल ही जेकर गल की जाए एक होर श्रोमणी अकाली दल दे नाल संबंधी है तो दस दिए कि जिस तरीके दे नाल अनिल जोशी भाजपा दे विचों दी 6 साल दे लई मुअत्तल कर दिते गए ने तो हुण खबरां सामने आईया ने कि 20 अगस्त नूं अनिल जोशी जो ने वह श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल हो सकते हैं हालांकि इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि जो है उन्होंने वालों नहीं की गई हालांकि सूत्र जो दसते पाए हैं कि फिलहाल चुप चुपीते जो है हो सकता है काम 20 अगस्त को जो ने अनिल जोशी भाजपा के जो सीनियर आगू भी कहाते हैं पंजाब दे विच लगातार उन्होंने वालों 3 खेती कानूनों लैके किसानों के हक के भी आवाज़ बुलंद की जा रही थी तो कहा जा रहा है कि जो पंजाब की भाजपा की हाईकमान है वह केंद्र सरकार के अगे सही तरीके दे नाल किसानों की गल नहीं रख सकी। इस तो इलावा जो ईद के मौके पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला जिला बनाने की गल कही थी तो उदों भी योगी आदित्यनाथ जो सीएम ने यूपी दे उन्हां वालों हस्तक्षेप किया गया सी इस दे विच ते टिप्पणी की गई सी मलेरकोटला नूं जिला बनाउण ते उसका भी जो है सख्त संज्ञान जो सी अनिल जोशी वालों लिया गया सी ते उन्होंने कहा सीगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ नूं अपने ही सूबे दे विच जो है वह दखल देना चाहिए तो हुण जो है वह गल्लां इह सामने आ रहियां ने कि 20 अगस्त नूं हो सकता है अनिल जोशी जो ने वो श्रोमणी अकाली दल नूं ज्वाइन करनगे। जेकर देखा जाए तो 2022 विधानसभा चोणां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल जो है वह पहले ही कह चुका है कि उन्हां वालों 2 उप मुख्यमंत्री लगाए जाणगे जो कि एक दलित भाईचारे दे नाल संबंधी होगा तो दूजा हिंदू वर्ग के नाल तो अजिहे दे विच जेकर अनिल जोशी आउंदे ने इस दे श्रोमणी अकाली दल दे विच किते ना किते हिंदू वोट बैंक जो है किते ना किते श्रोमणी अकाली दल दा जरूर मजबूत हुंदा नज़र आएगा। इस तो इलावा गल करिए अगली खबर की तो अगली खबर जो है वह कांग्रेस के नाल संबंधी है क्योंकि कांग्रेस के लगातार देखा जा रहा है कि जदों तो सिद्धू नूं कांग्रेस की कमान जो है यानी कि पंजाब प्रदेश कमेटी पंजाब प्रधान की कमान जो है नवजोत सिंह सिद्धू नूं सौंपी गई है उस तो बाद लगातार वो एक्शन मोड च ने जिथे उन्हां वालों पहला अपने 4 सलाहकार नियुक्त किए गए सन तो हुण जो है उन्हां वालों पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्र की नियुक्ति की गई है प्रगट सिंह जो ने जनरल सकत्र बने PPCC के तो अज उन्हां वालों जो है अपने अहुदे दे ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਪਥ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧੇ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਈਵਨ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਈਵਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 6 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।